शाहरुख खान एवं मिस्टर राजा मजुमदार खान द्वारा वोट ऑफ थैंक्स वेरी प्रेजेंट प्रोग्राम बटालियन बीएसएफ की तरफ से ब्रिगेडियर मनीष दत्त उपाध्याय मिस्टर मजाज खान हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मांडिया का इसके साथ ही हमारे और आज के सिविक एक्शन प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ नोट दिया जाएगा। उसके बाद जो छात्रों ने कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं उनको गिफ्ट आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। साथ एलओसी के नजदीकी गाँव में रहने वाले ग्रामीणों का विशेष ध्यान रखती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम यहाँ पर एक सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। इस सिविक एक्शन प्रोग्राम में आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराए गए निम्नलिखित सामानों का वितरण किया जाए। कंप्यूटर हार्ड डिस्क डेस्कटॉप कंप्यूटर्स 10 सेट, क्रिकेट किट 10 सेट, बैडमिंटन किट्स, यानी कि बीएसएफ और आईसीआईसीआई फाउंडेशन आप लोगों की मदद के लिए कुछ योगदान कर सके। जिस तरह से कमांडेंट साहब ने 97 बटालियन कमांडेंट साहब ने आप लोगों को बताया कि बीएसएफ का रोल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनाती का रोल है और इस रोल के दौरान हम लोग उन रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ पर कि ऐसी भी कई जगह है जहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक नहीं पहुँच पाया। हमारी जिस तरह से मैंने बताया कि बीएसएफ क्योंकि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी दूर दराज मुश्किल एरियाज में होता है और वहाँ पर जो हमने देखा है कि जो गांव वाले हैं वहाँ तक काफ़ी हद तक सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँची हैं। तो हमारा मकसद हरदम ये रहता है कि हम किसी भी टाइप से उन गांव वालों की मदद कर सकें। तो बेसिकली ये आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है आईसीआईसीआई फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने 5-6 गाँव किरण इलाके के आइडेंटिफाई करें और अब हमने उनको कंप्यूटर्स एक एम्बुलेंस और स्पोर्ट्स किट्स बच्चों के लिए ये दिया है जिससे कि उनका और फायदा हो सके और वो नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके। ये सब हरदम इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए हम सबसे आगे हैं और खास तौर से वो जो इलाके जो रिमोट एरियाज में हैं उनके लिए बीएसएफ हर वक्त इनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है और इनको भी मौका मिलता है नेशनल मेन स्ट्रीम का में हिस्सा लेने के लिए मौका। देखिए सर, अल्लाह का शुक्र है कि हाँ जो प्रोग्राम आज हुआ डीआईजी साहब के माध्यम से और कमांडर साहब के माध्यम से तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर ये प्रोग्राम किया और इसके लिए हम अपने पूरे सेक्टर केरन की तरफ से पूरे इलाके की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि बीएसएफ हर वक्त आर्मी हर वक्त हम लोगों के साथ है। हम आर्मी का भी और बीएसएफ का भी शुक्र अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें किसी वक्त भी नीचे नहीं छोड़ा है और इस प्रोग्राम के लिए हम अपने पूरे इलाके की तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं डीआईजी साहब को, सीओ साहब को और सीओ साहब सिकसआरआर कमांडर साहब को, पूरे केरन सेक्टर की तरफ से और इस जितनी भी आई हुई पब्लिक है इनकी तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं।